क्या कहना, अभी क्या बोले थे आप? शुद्ध ब्राह्मण पर कुछ बोले थे। ब्राह्मण जो जन्मजात वैष्णवता हो वही ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण मांसाहारी है अगर वो जिस यज्ञ में पांव देता है जो ध्वंस हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, मीमांसा को पढ़िए। अधिकांश ब्राह्मण तो मांसाहारी, वो तो कलयुग चढ़ा हुआ, सबसे पहले कलयुग जो है ब्राह्मणे पर चढ़ा है, तो हमें सब बरन जाएगा, ध्वंस। पूजा पाठ सब तो ब्राह्मण ही करवाते हैं। ब्राह्मण तो करवाते हैं, वो बलि प्रथा भी वही बलिदान करवाते हैं। तो बलि का मतलब पांच बलि है, काक बलि, छाग बलि, स्वान बलि, जलचर और थलचर। जगत जननी माँ जगदम्बा असुर को मारे थे प्रकृति के रक्षा के लिए, और प्रकृति को उजारने का कौन पूजा करते हैं? ये पूजा नहीं है, ये तो असुर वृत्ति है। रामायण को देखिए ना, मीन पीन पाठीन पुराने भर भरी भार कहा रनाने, किसके लिए ये सब था? राक्षस के लिए था, पीप पदार्थ। मीन मतलब मछली, जो असुर था उसके लिए। नौकी माने भगवान राम और जगत जननी माँ सीता, तो लोग समझवे नहीं करते, दोनों पक्ष तो राजा था। इसीलिए ध्यान रखिए, ब्राह्मण वही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नहीं है तो ब्राह्मण कहाँ से आया? जिसमें वैष्णव तो जिसमें दया की भाव नहीं है वो ब्राह्मण कैसा? ब्राह्मण में सबसे पहला चीज है कि ब्राह्मण में वैष्णवता होनी चाहिए और जन्मजात वैष्णव। आपको जजमिनका खाली पूजाने के लिए हम 100 चंदन कर लेंगे, उससे हम पंडित जी हो जाएंगे, ब्राह्मण है और ब्राह्मण के बारे में हम ब्राह्मण की शिकायत नहीं करते हैं, हम ब्राह्मण की शिकायत नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा है कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही तो होता है जो जो ब्रह्मा ब्रह्म को जाने, और ब्रह्म को जानने के लिए दारू पी के ब्रह्म जानता, मांस मदिरा खा करके ब्रह्म को जानता। बोलिए, आप ही बोलिए ना।